और आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी नेता और मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले जारी रोड शो की ओर। तो अमेठी से पार्टी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है और देखिए बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले मंदिर पहुंची अपने पति के साथ और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। आज बीजेपी के दो बड़े चेहरे अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। रोड शो इनका जारी है। नामांकन दाखिल करने से पहले जनता के बीच हैं, इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। अमेठी से पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी पर भरोसा जताते हुए पार्टी की तरफ से उन्हें फिर उम्मीदवार बनाया गया। नामांकन के दरमियान बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे स्मृति ईरानी के साथ मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो अमेठी से आज स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। इससे पहले रोड शो, इसे बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को जहां अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है, वहीं अमेठी से अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि पार्टी की सीईसी की बैठक में कहा यह गया कि राहुल गांधी के नाम को लेकर के चर्चा हुई और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अमेठी से राहुल गांधी को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता है। बावजूद इसके पार्टी ने अब तक अपने पत्ते स्पष्ट नहीं किए हैं कि अमेठी को लेकर के कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। इसी बीच बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताते हुए अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई स्मृति ईरानी, साथ में बड़ी संख्या में बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसे बीजेपी के रोड शो के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे पहले अपने पति जुबिन ईरानी के साथ मंदिर पहुंची, ईश्वर का आशीर्वाद लिया स्मृति ईरानी ने और अब देखिए पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच रोड शो करती हुई नामांकन के लिए रवाना हो चुकी हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो देखिए बीजेपी के बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे नामांकन की प्रक्रिया के दरमियान स्मृति ईरानी के साथ यहां मौजूद हैं। फूलों की बारिश हो रही है, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर इस रोड शो में स्मृति ईरानी के साथ देखे जा सकते हैं। तो अमेठी से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इस समय रवाना हो चुकी हैं, उनका रोड शो जारी है। अमेठी के रण के बारे में भी आपको बता दें, 2014 में 1,00,000 के मार्जिन से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मुकाबले अपना चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में नतीजे बदल गए। 2019 में राहुल गांधी जहां से लगातार सांसद बनते रहे, 2019 के रण में स्मृति ईरानी के मुकाबले ये चुनाव हार गए थे। 55,000 वोटों के मार्जिन से राहुल गांधी ने अमेठी का रण स्मृति ईरानी के हाथों गवा दिया था। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड की तरफ चले गए और वायनाड से सांसद बने, लेकिन स्मृति ईरानी को पार्टी ने एक बार फिर से अमेठी से ही मौका दिया है। अमेठी के रण में फिर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्ते स्पष्ट नहीं किए गए कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से किसे अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। हालांकि राहुल गांधी के नाम को लेकर के लगातार सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बीते दिनों रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन पार्टी की तरफ से अब तक अमेठी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि अमेठी से कांग्रेस अपना कैंडिडेट किसे बनाएगी। अमेठी जहां से लगातार गांधी परिवार के चेहरे संसद तक पहुंचते रहे हैं, 2019 में अमेठी की जनता ने कांग्रेस को जीत का स्वाद चखने नहीं दिया। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के मुकाबले 55,000 के वोटों से ये चुनाव हार गए थे। वायनाड से संसद तक पहुंचे हालांकि, लेकिन स्मृति ईरानी पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताते हुए एक मर्तबा फिर उन्हें अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया है। देखिए अब अमेठी का इतिहास भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कभी राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भी यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे, तो लगातार गांधी परिवार के ही चेहरे अमेठी की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं।